हेलो गाइस, अर्जुन हियर, वेलकम टू जन्नत ग्रिगेड्स। तो गाइस, 1 जुलाई सैटरडे का दिन है और गाइस TNPL में मैच नंबर 22 खेला जाएगा। 3:15 पर ये मैच खेला जाएगा। और गाइस, बात की जाए TNPL की मैच नंबर 23 की, तो मैच नंबर 23 भी खेला जाएगा 7:15 पर। तो गाइस, वैसे तो मैं बता दूँ, सैटरडे का दिन है तो एक घोड़ा जैकपॉट मैच है, बस एंट्री पर डिपेंड करता है। लेकिन गाइस, सैटरडे को जो मैच होंगे, सैटरडे को भी 2 मैच है और इसके बाद गाइस ऑल मैच स्टेट है, उसमें री एंट्री अगेन एंट्री का रेट नहीं आएगा। बट जो सैटरडे को मैच है, एक मैच धमाका होगा और वो मैच होगा मैच नंबर 22। तो गाइस, री एंट्री अगेन एंट्री परफेक्ट एंट्री के साथ प्रॉफिट बनाया जाएगा। तो गाइस, आई ड्रीम वर्सेस स्लैम के बीच में मैच होगा। और गाइस, यहाँ पर बात की जाए टॉस विनर टीम की, तो टॉस यहां पर आई ड्रीम जीतेगा और गाइस फर्स्ट विकेट पर स्लैम आएगा। बाकी स्क्रिप्ट गाइस टेलीग्राम पर शेयर कर दी जाएगी, टेलीग्राम लिंक जरूर ज्वाइन कर लेना। एंड गाइस, बात करते हैं मैच नंबर 23 जो कि खेला जाएगा नीलई वर्सेज डिंडीगुल के बीच में खेला जाएगा। तो गाइस, डिंडीगुल फेवरेट रहेगा और डिंडीगुल ही टॉस जीतेगा और गाइस फर्स्ट विकेट पर नीलई आएगा। 6 ओवर सेशन तुम लोगों को नोट कर लेना, 10 ओवर इसकी, 15 ओवर टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया जाएगा। लंबी की बात की जाए डिंडीगुल की, तो 155 से 162 के बीच में स्कोर होगा, मतलब 155 to 162 के बीच में स्कोर होगा नीलई का। अब देखने वाली बात है कि डिंडीगुल इस स्कोर को चेज कर लेता है या डिफेंड होगा। गाइस, 1% यहाँ डिंडीगुल टॉस जीतकर फर्स्ट बैट पर आता है, तो 6 ओवर सेशन यस करना, 10 ओवर स्कीप, 15 ओवर टेलीग्राम पर अपडेट कर दीजिए। लंबी की बात की जाए तो डिंडीगुल का 165 से 170 के बीच में स्कोर होगा। अब देखने वाली बात है गाइस कि कौन सी टीम इस मैच को विन करती है, क्या ये घोड़ा जैकपॉट मैच बन सकता है या फिर मैच नंबर 22 बनेगा आई ड्रीम वर्सेस स्लैम का। गाइस, इसके लिए तो गाइस सेशन प्लस मैच और टॉस में अगर कुछ चेंजिंग होता तो टेलीग्राम लिंक जरूर ज्वाइन कर लेना, यहीं पर अपडेट दिया जाता। तो ओके गाइस, दुआओं में याद रखना, आपका अपना भाई अर्जुन। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर कर देना।